हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं डिजी मास्टर बाय धर्मेंद्र। आज की पाठशाला में हम सीखेंगे क्षेत्रमिति में त्रिभुज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, क्या ए बी सी, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। इन तीनों भुजाओं से मिलकर बनता है एक त्रिभुज। अब त्रिभुज का बता दूं मैं आपको, त्रिभुज में कुछ त्रिभुज होते हैं, इनके प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार बता दूं मैं आपको, त्रिभुज दो तरह का होता है, ठीक है। इनमें 2D तथा 3D त्रिभुज होते हैं। 2D जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओनली 2D होते हैं, 3D मतलब जिसमें तीन तीन दिशा होती है। इसे हम 3D ऐसे हम लोग विजुलाइज देखते हैं, ठीक है, उसे 3D बोलते हैं। अब 2D हम पढ़ लेते हैं, 2D किस प्रकार के होते हैं। 2D में सबसे पहले त्रिभुज आता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ये फर्स्ट है। समबाहु त्रिभुज जैसे कि ये बना हुआ है, अगर इसकी सारी भुजाएं समान हो, जैसे कि अगर इसकी जो भुजाएं हैं ए बी, को हमने ए दे दिया स्मॉल, बी सी को बी दे दिया और ए सी को सी दे दिया, इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ ए ही मैं सारे जगह कर देता हूँ, ये कुछ सारे समान है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब दोस्तों, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाएं, मतलब भुजा मतलब भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब लिख लेते हैं, भुजाओं का योग, ठीक है। भुजाओं का योग क्या होता है इसका, इसे कि हमने सारी जगह अगर ए कर दिया, ये भी ए बना दिया, ये भी ए, तो तीनों बराबर हैं, इसलिए तो ये 3A हो जाए, ठीक है। ठीक, अब अगर इसमें पूछा जाए, और भी सूत्रों के बारे में पूछा जाए, इसमें इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए हमसे, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें एक अंडर रूट होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब s क्या होता है, s जो होता है दोस्तों वो s परिमाप ही होता है, ठीक है। अगर अर्ध परिमाप पूछ लिया जाए आपसे, अर्ध परिमाप, तो अर्ध का मतलब होता है आधा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं एक और त्रिभुज बना देता हूँ, यहाँ पर सारी भुजाएं समान है, लेकिन अर्ध परिमाप बना दूं, ए ये बी ये सी। अगर इन दोनों भुजाओं से मैं यहाँ पर एक 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 लाइन खींचता हूँ, एक कोई भी लाइन खींचता हूँ, तो ये दोनों जो हैं, यानी कि ये पूरी एक भुजा है ए, ठीक है, तो ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएगी, ए बाय टू, ठीक है, ये आधे में डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों अर्ध परिमाप जो होगा वो आपका 3A/2 होगा, क्योंकि हमारा 3A परिमाप था, अर्ध परिमाप मतलब आधा, ठीक है, टू डिवाइडेड बाय टू। अगर हम इसका मान लीजिए, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी इस पर, तो ये ऊंचाई इसकी क्या होगी, ठीक है। अगर इसकी आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई के लिए हम एक डायरेक्ट, ऊंचाई मतलब h होता है, h दी हाइट दे दी हमने, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम कर लेते हैं, अंडर रूट 3/2a, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई है, ठीक है। अगर इसका ही आपसे अगर वो क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, इसी चीज़ का अगर वो क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, तो अंडर रूट 3/4a2। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये देखिए, मैं आपको यहाँ से फॉर्मूला लगा के बताऊँगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है क्षेत्रफल में, बता देता हूँ मैं आपको, एक 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये इसकी क्षेत्रफल होता है। यहाँ से हम अगर निकालेंगे, इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, अगर हम इतना भाग लेंगे, ऐसे कि अगर हम इतना भाग ले लेते हैं a/2, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई भी इसको दे देते हैं
भी है ये सी है, कोई भी देते हैं तो पूरा अगर हम इसमें रखेंगे तो ये इसका परिमाप यहाँ से आएगा, ऊंचाई यहाँ से आएगी और सॉरी और यहाँ से आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। अभी समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया, इसको हम अपना दूसरा दूसरा अभी तक हमने सीखा दोस्तों समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में हमने क्षेत्रफल सीख लिया, ऊंचाई कैसे निकालना है सीख लिया, परिमाप कैसे निकालना है, अर्थ परिमाप कैसे निकालना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा जो त्रिभुज होता है, दूसरा जो प्रकार होता है, टाइप होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज की बता दूँ मैं, इसमें जैसे कि आप नाम से सुन रहे होंगे विषम, यानी कि इसमें जितनी भुजाएँ हैं, जैसे कि इस भुजाओं को नाम देता हूँ मैं ए, इसको देता हूँ बी, इसको सी, यानी कि ये पूरी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ओके, ये जो लंबाई वो ए सी है और यहाँ से यहाँ तक की ए है और यहाँ से यहाँ तक की बी है। ये तीनों जैसे कि हमने पहले वाले त्रिभुज में भी देखा था वो तीनों समान थी, लेकिन ये तीनों समान नहीं है। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूले देख लेते हैं, यानी इसका परिभाषा हुई ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई, इसका हम परिमाप देख लेते हैं। जैसा कि पिछले हमने पढ़ा था कि परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं, परिमाप यानी कि सारी भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अर्ध परिमाप हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, अर्ध परिमाप क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर ले, ठीक है, विषम बाहु क्षेत्रफल के बारे में बात कर ले, तो क्षेत्रफल वही होता है जैसे कि हमने निकाला था अभी, ठीक है, जैसे कि अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और पता ही है एस हमने कैसे निकाला है। ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज होता है, इसकी कोई भुजाएं समान नहीं होती। अगर ये इसकी बात कर दी जाए, यहाँ से अगर एक टर्म डाल दिया जाए, तो जैसे कि मैंने हमने इस वाले में पढ़ा था इसमें कैसे निकालना है, जैसे कि एक त्रिभुज सेपरेट बना लेते हैं हम, ठीक है, अगर हमें आधार दिया है, ये होता है आधार, ठीक है, ये ए इसे कोई बिंदु मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है, ये अगर हमारा 90 डिग्री होगा, ये जैसे हमारा ये 90 डिग्री हमेशा ही होगा, क्योंकि यहाँ से भी कोई भी अगर रेखा खींची जाती है और आधार पर बिल्कुल लंबवत होती है, तो उसका जो कोण बनाती है वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, इससे को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय भी निकाल सकते हैं, और हेरो का जी हेरो का सूत्र होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय जो होती है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसमें से हम कैसे भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कैसे भी करके निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ पर अगर यहाँ पर हमको आधार दिया हो ऊंचाई दिया हो, ठीक है, इसमें हम इनकी वैल्यू रखकर दोनों की वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, ये है हमारा तीसरा वाला जो त्रिभुज है वो है सम द्विबाहु, जैसे कि वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे सम द्विबाहु, इसका मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। अब दो भुजाएं कोई भी हो सकती हैं, हम इनको नाम दे देते हैं पहले ए बी सी। अब इसमें सम द्विबाहु त्रिभुज में इसमें दो भुजाएं समान हो सकती हैं, जैसे कि जो आपस में, अब दो भुजाएं जो यहाँ पर आके मिलती हैं, वहाँ से अगर एक लंबत लाइन खींची जाए, तो जो पूरा ए है यहाँ पर, इसकी जो डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो यहाँ की डिस्टेंस है वो ए बाई टू में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर इस पर अगर कोई रेखा खींची, जैसे कि आप मैंने पता पढ़ाया था आपको पहला वाला था, वो था हमारा समबाहु त्रिभुज, अगर कहीं से भी आप कहीं से भी उस पर अगर आप लंब डालते तो वो एक बराबर काटता, लेकिन इसमें जो है वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये
दो भुजाएं जो बराबर होंगी उसके बीच पे अगर एक कोई लंब डाला जाए और जो आधार पे आकर मिल जाए, वो दोनों आधार की जो डिस्टेंस होंगी वो बराबर 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 लंबाई में बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज मैं ऐसे कि बता देता हूँ, मैं समबाहु त्रिभुज में परिमाप क्या होता है, परिमाप वही होता है, ठीक है ठीक है, परिमाप सेम होता है, ठीक है, वो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर आपको अगर एक लंब डाल दिया जाए उसके बाद हाइट इसमें हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्षेत्रफल हम पहले वाला जो हमने देखा था वही होगा एस, इसका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, यही हमारा त्रिभुज होगा, ठीक है, क्षेत्रफल होगा इसका, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं हम, यहाँ पर अगर एक लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि अगर एक कोई रेखा अगर खींची आती है और वो सीधी रेखा है तो इसका पूरा टोटल जो डिस्टेंस, टोटल जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है ओके। ये दोनों क्योंकि ये सेपरेट अलग अलग त्रिभुज हैं दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ पर अगर 90 है तो यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है जी, यहाँ पर दोनों के दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है, ये भी कोण बराबर होगा, ये भी कोण इसके बराबर होगा, ये कोण भी इसके बराबर होगा, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड। ये इसका क्षेत्रफल होता है, ऐसे कि मैंने आपको बताया था, और इसकी हाइट निकालने के लिए वही सेम, अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं तो हाइट में मैंने बताया था आपको पहले वाले में, ये पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं, कैसे भी आप निकाल लीजिए, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई आप निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए इसका और